ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में अजीज मोमिनों, एक बार भी खुद से नहीं पूछते कि ये जिंदगी क्या है, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कहां जाएंगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, क्या बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं सोचते। देखा जाए तो जिंदगी को मजाक समझा है, कहते फिरते हैं कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जियो क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी को भरपूर जीने का मतलब क्या है? यूं ही दिन गुजार देना और फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद करना एक लंबी नींद की निशानी है। क्या हासिल होगा इस तरह की जिंदगी गुजार कर? मेरा अजीज दोस्तों, जिंदगी न गुजरा हुआ कल है न आने वाला कल, जिंदगी ये लम्हा जो अभी गुजर रहा है, जो लम्हा जी रहे हैं वो ये है, और वक्त आने पर चाहे हजार साल का भी हो मर जाना है। पीछे वाले कहेंगे कि तुम्हें याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। मिट्टी के नीचे कीड़े मकोड़े तुम्हें अपनी खुराक का निशाना बना रहे होंगे। तुम्हारा नाम दुनिया में जिंदा हो या ना हो, क्या कर लोगे तुम, तुम्हें क्या फायदा होगा? पीछे वाले कहेंगे कि सुकून की नींद सो। अजीज दोस्तों, मौत बिल्कुल भी किसी तरह से नींद नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लें। मौत को गलत मत समझना, मौत नींद नहीं है बल्कि नींद से बेदार होने का मतलब है। अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत नंबर 32 में क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन वलहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तकून अफला ताकिलून सदकल्लाहुल अज़ीम। और दुनियावी जिंदगी एक खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, जो तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखरत का घर बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती? अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको गफलत की नींद से जगाए और हमें गफलत से बचाए। ए रब्बे जुल जलाल, हमें आखरत में अफसोस करने वालों में से ना बनाए, नेक बंदों में शामिल फरमाए। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। खुतबा खत्म हो गया है, चलो थाने चलते हैं। अब आजम की फिक्र हो रही है। खत्म हो गया खुतबा? बिल्कुल। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मौलवी साहब एक मिनट जरा, इतना मुख्तसर सा खुतबा किया है आपने, थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। क्या मतलब, क्या लंबा करूं भाई? खुतबा मौलवी साहब, आपके खुतबे से सांस आई है मुझे। महीनों से डिप्रेशन में था मैं, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं यहाँ आकर बैठा तो आपके खुतबे से एक नई जिंदगी मिली है मुझे। खुदा के लिए थोड़ा सा बयान और करें, मुझे वाकई बहुत डिप्रेशन है। प्यारे भाई देखो, नमाज के बाद आ जाना, जब तक चाहोगे और जितनी चाहोगे बात करेंगे। नहीं मौलवी साहब नहीं, हिकमत चाचा सुन नहीं रहे हैं, थाने जाने की जिद पकड़ी हुई है। क्या मतलब? नहीं छोड़े आप मौलवी साहब, मुझे अकेले में खुतबा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जब तक इतने सारे लोग मौजूद ना हो तो मुझे खुतबा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आपका खुतबा सुनते ही मेरी डिप्रेशन सारी खत्म हो गई है। आप खुदा के लिए थोड़ा सा खुतबा और कर दीजिए, और सवाब भी तो मिलेगा आपको, क्या कहते हैं? प्यारे भाई देखो, जोहर की अजान होने वाली है, अभी नमाज के बाद आना, ठीक है? नमाज के बाद बात करेंगे। मौलवी साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, और आप कह रहे हैं कि बाद में आना। खुदा के लिए आप अजान थोड़ी देर बाद दे देना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अजान किसी सूरत देर से नहीं दी जा सकती। फिर आप ऐसा करें कि वाकई मौलवी साहब अजान में बिल्कुल देर नहीं होती। आइए आइए।